हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑफिशियल नेहा, और स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और इस ब्लॉग को पूरा देखना, ठीक है गाइस। बज रहे हैं दिन के 3 और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इस रूम में और क्या हो रहा है। ये देखिए, मेरी भाभी जो है वो लावण्या को पढ़ा रही है। हाय करो। हेलो। ये देखो, होमवर्क हो रहा है इसका। छुट्टियों का जो होमवर्क मिला हुआ है वो होमवर्क कंप्लीट हो रहा है। और मैं हो रही हूँ बोर, नींद भी आ रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि सुस्ती 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 हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। बस पानी पिए जाओ पिए जाओ पिए जाओ, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। तो अभी हो रहा है रेस्ट और आगे का मैं आपको बताती हूँ अभी क्या क्या। गाइस, हो रही है अब वैक्स की तैयारी। आप सभी लोग जानते हो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो बहुत ज़्यादा है ना, आलस आ रहा है, पार्लर जाने का मन नहीं कर रहा है। देखो मिट्टू खा रहा है वाटरमेलन। मिट्टू हाय करो। तो यहाँ पे हो रही है वैक्स की तैयारी। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, एक सेकेंड। ये देखो मेरी भाभी, इसको वैक्स करना आता है, पार्लर का इसने कोर्स किया हुआ है। तो मैंने सोचा चलो आज पार्लर के वैसे बचाए जाएं। हेलो गाइस, ये देखिए मैं डार्क चॉकलेट वैक्स कर रही हूँ बेबी को। इससे ना तो कोई स्किन पर इचिंग होती है और बाल स्मूथली रिमूव हो जाते हैं। और डार्क चॉकलेट का एक और फ़ायदा है, जो किसी किसी को दाफड़ हो जाते हैं वो भी नहीं होता। तो मैं पहले इसको वॉर्म कर रही हूँ, उसके बाद मैं पाउडर लगाऊंगी। पाउडर लगाने के बाद गरम गरम गाइस, ये मैंने वैक्सिंग निकाल चुकी हूँ, पहले ही निकाल के रख रही हूँ ताकि मुझे बाद में गरम गरम होकर वैक्स लगाऊंगी। उससे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ पाउडर। पाउडर आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। और ये देखिए मेरी वैक्स बिल्कुल गर्म हो चुकी है। वैक्स की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, मतलब ऐसी गिरनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वैक्स अच्छे से नहीं होगी और ज़्यादा भी यूज होगी। तो बलि का बकरा तैयार है, बली का बकरा तैयार है। सबसे ज्यादा इरिटेटिंग काम मुझे यही लगता है गर्मी में। वैसे इतनी तेज गर्मी है, बढ़िया है कि चलो घर में बैठे बैठे ही काम हो रहा है और कुछ नहीं, कहीं जाना नहीं पड़ रहा। लीजिएगा। अच्छा बेटा, बज रहे हैं 6:59 और हम आए हैं अब गार्डन में। तो मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाने वाली हूँ एक देसी जुगाड़, और मेरी जो भाभी है दिया वो वीडियो बना रही है, तो आपको देसी जुगाड़ दिखाती हूँ। एक सेकंड रुको, आप जरा, ये है देसी जुगाड़। होल्डर लाना भूल गए हैं तो बॉटल को होल्डर बना रखा है, और ये बना रही है वो वीडियो। ये देखो, ये देखो कैसे वीडियो बना रही है, इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रही है, ठीक है। और हमारे जो बच्चे हैं वो इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। वो देखिए वो कैसे मिट्टी में खेल रहे हैं, अभी घास में बैठे हैं, अभी साइड में जाके मिट्टी में खेलेंगे। तो वो पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का कि उनकी जो मम्मा हैं वो अपने अपने में बिजी हैं। ज़रूर कर देना, ठीक है। और मुझे
याद है आपने और भी बनाई है बेटा? दिखाओ जरा। वाओ, सो ब्यूटीफुल, गुड वर्क। गाइस बज चुके हैं 10 और अब हम सब सोने जा रहे हैं। सारे दिन की जो थकावट है वो टूट के बस भी खा लिया है। और खाने में आज हमने खाए हैं पुलाव, हमारी भाभी जी ने पुलाव बनाए थे बड़े प्यार से। तो अब देख रहे हो आप, मेरी मम्मी मेरे साथ आज कह रही है आज मैं तेरे साथ मैं सोऊंगी। सबकी ड्यूटी लगी हुई है, मेरी भाभी कल मेरे साथ सोई थी और जो मेरी आराध्य है भांजी वो कहती है कि मैं कल तुम आपके साथ ना थी मैं कल सोऊंगी। तो आज मेरी मम्मी की टर्न है। तो मम्मी और लावण्या भी आपको गुड नाइट बोलेगी। बोलो गुड नाइट, गुड नाइट। बोलो फ्रेंड्स गुड नाइट। हाउ स्वीट। तो गाइस मस्ती करने वाले बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो सुबह सुबह बहुत मस्ती होने वाली है बच्चों की, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट पूरा ब्लॉग देखिएगा जब भी आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो जरूर मुझे बता। देखिए सुबह सुबह की मस्ती, मिट्ठू मम्मी के पीछे भागा है, अब मम्मी को भगा रहा है, कह रहा है चलने से कुछ नहीं होगा, भागना पड़ेगा सुबह सुबह तब जाके मजा आएगा। ये देखो जरा, ये देखो, वाओ वाओ वाओ। मिट्ठू पकड़ो 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 बेटा, मम्मी ने चैलेंज किया है आपको। चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है। तो ये हो गया आज। सच्ची में सुबह सुबह का जो मौसम है वो बहुत ही बढ़िया है। गुड मॉर्निंग करो मम्मा, गुड मॉर्निंग। तो गाइस ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं शेयर करूंगी, मेरा मिट्ठू गया अभी स्विमिंग पूल में। वैसे इसको अभी स्विमिंग नहीं आती है, ये देखो। और मम्मी भी बैठी है यहाँ पे, मम्मी इसलिए बैठी है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मम्मी उसका ध्यान रख रहे हैं। वैसे ये ज़्यादा नहीं है गहरा, बच्चों के ही लायक है बहुत। ओहो अरे वाह बेटा, दूर तक जाओ बेटा, चलो दूर तक जाओ। देखो ये देखिए गाइस, यहाँ का व्यू देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल है। देखिए आप कितना ब्यूटीफुल है, माय गॉड। मिट्टू वहाँ तक जाओ, चलो। आता नहीं है अभी इसको ना, अभी नहीं आता। मिट्ठू कान में नाक में नहीं। ये हो रही है यहाँ पे दोनों की मस्ती, ये देखो। अभी मिट्ठू छोटा है तो वो छोटे स्विमिंग पूल में आया इस वजह, बट वो मिट्ठू को कंपनी देने के लिए यहाँ पे उसको सिखा रही है, इस वजह से वो इस छोटे वाले स्विमिंग पूल में आई है। तो देखिए गाइस कैसे मस्ती कर रहे हैं बच्चे। आपको भी आई होप वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो आप बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, आगे शेयर कर देना। मैं आपके लिए इसी तरह का अच्छा अच्छा व्लॉग बना बना के लाऊंगी और मुझे इनकरेज आप करते रहना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।